जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 17। भक्तों को प्रभु के वरदान मिलते हैं, उनकी कृपा दृष्टि उनका पथ प्रदर्शन करेगी। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के जो भक्त है, जो हम है, वो अपने स्वर्ग पिता की ओर से जो आशीष है वो हर एक चीज हमें देता है। जो फल है, जो वरदान है, वो हर एक चीज से हमें भरता है। और जो परमेश्वर के वरदानों से भरा हुआ है वो जो भी चीज करते हैं उसमें सफलता पाते हैं। मेरे भाई और बहनों, हमें ये जानना है बाइबल में जिस प्रकार जोसेफ करके व्यक्ति था, उसे भले उसके भाई लोग ने बेचा, भले जो भी चीज किया, वचन कहता है कि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर जोसेफ के साथ था, परमेश्वर जोसेफ के साथ था। क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज परमेश्वर को देते हुए, धन्यवाद करते हुए, उसके आज्ञा का पालन करते हुए किया। भले वो बेचा गया, भले उसके भाई लोग ने उसको तिरस्कार दिया, हर एक चीज किया, लेकिन वो अपने जो परमेश्वर ने दिखाया था उसके ऊपर भरोसा रखते हुए वो कार्य करते गया कि परमेश्वर ने कहा है तो मतलब होगा। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर में था। उसी प्रकार आज वचन हमें कहता है कि परमेश्वर उसके हर एक शिष्य को, जो हम हैं, अपने फलों से भरता है, हर एक वरदानों से भरता है, आशीषों से भरता है। तो अगर वचन कहता है कि हम भरे हुए उसके वरदानों से, उसके आशीष से, उसके करुणा से, तो मेरे भाई और बहनों, उसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो भी हम करेंगे उसमें सफलता पाएंगे। जिस प्रकार जोशुआ 1:8 कहता है कि परमेश्वर का किताब तुम्हारे मुंह से कभी अलग ना हो, तुम उस पे दिन और रात मन चिंतन करो, वो रोज तुम्हें सफलता की ओर लेके जाएगा। तो हमारा सफलता का राज परमेश्वर का शब्द है। तो आज मेरे भाई और बहनों, उसको शब्द को हमारे जीवन में मास बनने के लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह के लिए धन्यवाद देते, धन्यवाद परमेश्वर के तेरे बेटे के बलिदान के द्वारा आज हम परमेश्वर पूर्ण रूप से वो फल से भर चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर वो बलिदान हमें जो देना था वो तेरे बेटे ने दिया, तो उसके बलिदान के द्वारा हम पूर्ण रूप से नए बन चुके हैं, तेरे शब्दों से भर चुके हैं, तेरे आशीषों से भर चुके, तेरे करुणा से भर चुके हैं। हर एक चीज जो हम करते परमेश्वर उसमें सफलता पाते, क्योंकि तेरे बेटे के बलिदान के द्वारा हमें हर एक चीज। तो आज परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो बलिदान तूने दिया है और जिस चीज से तूने हमें भरा है उसमें यकीन दिलाने के लिए परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा। जिस प्रकार तेरे शिष्य लोग ने प्रार्थना किया और उस जगह को तूने हिलाकर पूर्ण रूप से उन्हें दृढ़ बनाया और उनको विश्वास दिलाया, जिस प्रकार परमेश्वर तेरे शिष्य को तेरे ज्ञान नहीं थे, पेंटिकोस के दिन परमेश्वर तूने ज्ञान का बुद्धि उन पर उतारा, पवित्र आत्मा उतारा, शब्द के द्वारा, जीव के द्वारा, उसी प्रकार परमेश्वर ये सुबह हम प्रार्थना करते कि हमें तुझ में विश्वास ला परमेश्वर, तेरे शब्दों में विश्वास ला कि अगर लिखा है तो मतलब होगा, अगर तूने कहा है मतलब वो सफलता की ओर होगा ही होगा। तो परमेश्वर ये विश्वास के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिस समय परमेश्वर हमें जो भी देख रहे, सुन रहे, हम सब जन का आज यही प्रार्थना है परमेश्वर के हमें तेरे वचनों में विश्वास करना लगा, क्योंकि हर एक शब्द तेरी ओर से आता है, हर एक वरदान तेरी ओर से आता है, तो हमें भी परमेश्वर उन पर विश्वास करने लगा। और यही प्रार्थना परमेश्वर इस सुबह तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमेन। जय श्री।